मैं बंगाल का जीत माना जाता हूँ, ऐसे मत कहिए। नहीं, एक्शन आजकल हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई एक्टर करता है, और आजकल शाहरुख भी बहुत एक्शन कर रहे हैं, बट अगेन सलमान इज वन ऑफ द सुपर स्टार्स, बिगेस्ट सुपर स्टार्स ऑफ द कंट्री। जो भी हो, आई वुड नॉट लाइक टू बी कंपेयर्ड विद एनीवन। मुझे आप जीत वाला तकमा और वही परिचिति मिली रहे और जो मिली है उससे मैं खुश हूँ। सो हेलो आई गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। मैं आपका दोस्त यश चौहान। हाय यश। हाय। सो आपके डायलॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक डायलॉग हो जाए। सो आई डोंट काउंट मनी, आई ओनली काउंट लाइफ। नाइस। काफी डायलॉग की बात की तो काफी एक रुतबा है, एक पर्सनैलिटी दिख के आ रही है आपकी काफी। और जैसे बात की जाए चंगेज में भी, आपके डायलॉग्स डिलीवरी जो होती है वो काफी ही पसंद आई है ऑडियंस को। पैन इंडिया फिल्म थी और काफी प्यार मिला मूवी को। थैंक यू। तो बात की जाए तो एक्शन पैक और थ्रिलर के साथ आ रही है मूवी, और साथ में जिंदा का स्वैग भी है ना। तो कैसा लग रहा है और क्या नया लेके आए हो मूवी में? बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन और डायलॉग नहीं है, इस फिल्म में बड़ी खूबसूरत एक कहानी है, और जिस कहानी में कोई भी आम इंसान अपने आप को रिलेट कर पाएगा इस कहानी के साथ। कैसे इंसान कभी कभी परिस्थितियों से हार जाता है और फिर कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आपके पर्सनैलिटी के विपरीत होते हैं, बट लेने पड़ जाते हैं कई बार। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कहानी में बताई जा रही है। और सबसे खूबसूरत बात है कि हर थ्रिल ऐसा रखा गया है कि हर 10 मिनट में आपको ये एहसास होगा कि अगले पल क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ये चीज़ें जो है आपको हर पल महसूस होती रहेगी फिल्म में। और एक फैमिली एंटरटेनर है, सबके साथ देखने वाली फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगी। ट्रेलर से भी काफ़ी देख के ऐसा लगा है कुछ एक्शन पैक धमाकेदार मूवी निकलने वाली है आपकी। जी, एक्शन है, धमाका है, लेकिन बहुत इमोशंस भी हैं। हाँ, इसमें जहाँ बाप बेटी का प्यार भी नज़र आ रहा है। जी हाँ, बाप बेटी के बीच में इमोशंस हैं और वो कहानी का एक मुख्य हिस्सा है। तो चंगेज मूवी जो आपकी थी वो पैन इंडिया रिलीज हुई थी। हाँ। तो ये मूवी भी पैन इंडिया ही रिलीज़ हो रही है, तो कितना ऑडियंस और कितना प्यार पैन इंडिया कमाया है? आप दोनों की जोड़ी थी। चंगेज़ तो अब पास्ट हो गया है, चंगेज़ तो हो गया, उसको रिलीज़ हुए 6 महीना, और जो प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने फिल्म को पसंद किया। लेकिन अब की बार मानुष आ रही है और ये फिल्म भी और तगड़ी स्टोरी है और कड़क स्टोरी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और ज़्यादा पसंद आएगी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपसे ढेर सारा और भी प्यार मिलता रहे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बार बार एक्शन लोगों को दिखा के पैन इंडिया, क्योंकि बॉलीवुड भी ज़्यादा और साउथ की बात करें तो सब जगह एक्शन आज की तारीख में मेन प्राइमरी फोकस होता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वही सेम चीज़ के साथ आना लोगों को, ऑडियंस को बोर कर देगा कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है, अलग कहानी है, हमारे किरदार अलग हैं, सब कुछ नया है। हम जब काम भी करने जाते हैं तो सब कुछ पहले क्या किया हुआ है सब को मिटा देते हैं, एकदम नई स्लेट के साथ जाते हैं, प्लेन स्लेट के साथ जाते हैं, जहाँ नए सिरे से सब कुछ लिखना है ये सोच कर जाते हैं। तो एक नई कहानी है, एक्शन के मोमेंट्स नए हैं, और बस अब इंतज़ार है 24 नवंबर का जब फिल्म रिलीज़ होगी। तो मैम सुष्मिता जी, आप बताइए, मूवी में एक्शन करते हुए आप भी नज़र आ रहे हो, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा पहली बात तो, और सेकंड थिंग ऐसा नहीं लगा कि एक रीजनल इंडस्ट्री है उसमें लोग हीरोइन को एक क्लासिकल रोल या फिर रोमांटिक रोल करते हुए पसंद करते हैं, और ये कुछ आप नई चीज़ से आ रहे हो उनके सामने, तो कितना ऐसा लगा कि ये दो क्वेश्चन रहे, कितना डिफ़िकल्ट रहा और क्या कुछ सोच के कहा ये किया आपने? हाँ, ओके। सो डेफिनेटली मुझे तो अभी एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं, क्योंकि दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग एंड आई रियली वॉन्ट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं मुझसे, right. हाँ मुझसे, ये मुझे अभी तक नहीं पता है, इसीलिए आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, बट डेफिनेटली ये जो कैरेक्टर मुझे यहाँ पे मिला है, दिस इज़ टिल डेट बेस्ट कैरेक्टर आई हैव गॉट। यहाँ पे दिस कैरेक्टर हैज़ थ्रिल, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जैसे उन्होंने कहा कि
सब हर एक इंसान के लाइफ में अलग अलग जर्नीज हैं, तो वो भी जर्नीज के अंदर से गुजर रही है और उसमें भी अप्स एंड डाउन्स हैं. एंड शी इज़ समटाइम अ प्रोटेक्टर, शी इज़ समटाइम्स अ विक्टिम. सो इट इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग. मतलब आई लव दिस कैरेक्टर, आई लव्ड प्लेइंग दिस कैरेक्टर. यहाँ पे ट्रेलर में ऑब्वियसली ज़्यादा रिवील्ड नहीं है, पर दिस वॉज चैलेंजिंग फॉर मी एंड मुझे इसके लिए बुलेट भी चलानी पड़ी. राइट. सो चंगेज़ में आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद आई और वही केमिस्ट्री के साथ आप दोनों नज़र आ रहे हो, तो वहाँ पे तो शादी तक बात हुई थी, यहाँ पे फैमिली भी बनती हुई नज़र आ रही है. तो ऑडियंस वही चीज़ देखने के लिए कितना एक्साइटेड है आप दोनों को एक साथ, क्योंकि रिस्पॉन्स तो काफ़ी ही अच्छा मिला था पहले भी. कई बार जो नज़र आता है वो होता नहीं है. हाँ जी. इसमें जो ट्रेलर में देख के आपको जो नज़र आ रहा है वो शायद जरूरी नहीं है कि वही हो. ओके, ये ट्विस्ट दे रहे हो आप. जी यही है, सच भी यही है. ओके, मैं आपको काफ़ी हिंट दे दे रहा हूँ. हाँ, हिंट भी दे रहे हो. राइट. तो ऑडियंस को हिंट भी मिल चुका है, जो ट्रेलर में दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. सारी चीज़ें तो वैसी नहीं हो सकती, स्पेशली ये बात जो आपने कही. हाँ, फैमिली वाली. राइट. आप दोनों की केमिस्ट्री, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगा के रखी बैठी है और आप दोनों को एक साथ मतलब इतना प्यार दे दिया है उन्होंने कि अब वो ऐसे ही सोच रही है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू द कमेंट्स. तो यही कमेंट्स में था ऐसे कि आप दोनों पहले शादी अब फैमिली ऐसे नज़र आओगे. ठीक है, अब फिल्म रिलीज होगी तो आपको सब जवाब मिल जाएंगे. अच्छा, मूवी में आपका डबल रोल भी नजर आया, जहाँ पे आप एक पुलिस ऑफिसर है और एक ड्रग डीलर, ड्रग लॉर्ड भी है वो. तो उसमें क्या क्लेरिफिकेशन? नजरों का धोखा है. नजरों का धोखा, नजरों का धोखा. इसमें भी धोखा है. आपको जो नजर आ रहा है वो शायद ना हो. ओके, शायद ट्रिपल रोल हो, शायद सिंगल रोल हो, शायद डबल भी हो, शायद और भी ज्यादा हो. पर ये शायद के पीछे जो आपने सिंगल रोल कहा है वहाँ पे मुझे ज्यादा हिंट लग रहा है. अब आप ये तो अभी तो आपने कहा कि आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा डबल रोल लगा आपको. अब मेरे जवाब सुनकर आपको सिंगल लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना आप. नहीं नहीं, ऑडियंस भी हो गए. ऑडियंस के लिए हो रहा है, बट ठीक है. अच्छा, क्या अलग लेके आए इस मूवी में? जैसे कहानी बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए और वीएफएक्स की बात की जाए, क्योंकि एक्शन और मूवी देखने में तो काफ़ी एक अल्टीमेट लेवल की नज़र आ रही है. देखिए, सिनेमेटोग्राफी, बाकी विजुअल इफेक्ट जो होते हैं वो सारी चीज़ें ऑर्नामेंटल होती है. फिल्म की जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो कहानी में होती है. स्टोरी राइट. या और वो कैसे बताई जा रही है उसके ऊपर होती है. तो ये दोनों काम हमें ऐसा विश्वास है कि हमारे डायरेक्टर संजय शमादार ने अच्छे से किया है. और बस अब तो 24 नवंबर आने ही वाली है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कब थिएटर्स पे आएगी फिल्म और लोगों की प्रतिक्रिया हमें जानने को मिले. जैसा हम सोच रहे हैं क्या लोगों को वैसी लग रही है. अच्छा, एक और सवाल है मुझे मेरा आपसे कि लास्ट टाइम आपकी मूवी जो रिलीज़ हुई थी, तो जैसे कि बंगाल के आप सलमान खान माने जाते हो एकदम, लाइक जी मैं बंगाल का जीत माना जाता हूँ, ऐसे मत कहिए. फुल ऑन एक्शन के साथ, लाइक नहीं, एक्शन आजकल हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई एक्टर करता है और आजकल शाहरुख भी बहुत एक्शन कर रहे हैं. right. तो बट अगेन सलमान इज वन ऑफ द सुपर स्टार्स, बिगेस्ट सुपर स्टार्स ऑफ द कंट्री. सो आई मैंने जो भी हो, आई वुड नॉट लाइक टू बी कंपेयर्ड विद एनीवन. मुझे आप जीत वाला तकमा और वही परिचिति मिली रहे और जो मिली है उसे मैं खुश हूँ. अच्छा, बॉलीवुड में बात की जाए, अगर किसी के साथ काम करना चाहो तो किसे पसंद करना चाहो? मेकर्स बहुत सारे हैं. ओके. बहुत सारे मेकर्स हैं. मैं पहले भी कह चुका हूँ, शायद अगर आपके चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया होगा तो वहाँ भी कहा ही होगा कि मेरे काफ़ी सारे फेवरेट मेकर्स हैं, उनमें से जिसके साथ काम करने का मौका मिले करूँगा. और या फिर कोई नया मेकर भी अगर हो, अच्छी कहानी लेकर आता है और मुझे एक्साइट करता है, तो मैं बिल्कुल करूँगा. और एक्टर्स की बात की जाए, हीरोइंस, एक्टर्स, एक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है. कोई भी एक हीरोइंस? या नहीं नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसे मत करिए. क्यों नाराज करूं किसी को, बताइए. किसी एक को मत चूज कीजिए. अच्छा, किसी के साथ नहीं करना पसंद करोगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है. अच्छा, ऐसा कोई नहीं है. आप नहीं करना, या करना भी है और नहीं भी करना है, दोनों सवाल है. नहीं, मुझे तो सबके साथ ही काम करना है.
और किसी के साथ नहीं करना हो तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी तो मैंने कहा ना आपको कि यश के साथ जो सामने बैठा है. आप फिल्म में करते हो? आप एक्टर? मैं फिलहाल इंटरव्यू में हूं. आदमी है ना, फिल्म करूं नहीं करूं? साथ अगर कोई बॉलीवुड एक्टर पसंद हो? हाँ, मुझे बहुत सारे, बता रही हूँ, मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद हैं. डेफिनेटली एवरीबडी इज वेरी वेरी नाइस, ग्रेट. एंड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा फेवरेट है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है ऋतिक रोशन. ओह, हिज मूव्स आल्सो, हिज डांसिंग मूव्स. या अच्छा, तो फिलहाल फिनिश करते हैं इंटरव्यू को, और एक मैसेज दिया जाएगा आपकी तरफ से ऑडियंस को फिल्म के बारे में. बताइए. 24 नवंबर को हमारी फिल्म मानुष आ रही है थिएटर्स में. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब जाके सिनेमा हॉल्स में हमारी पिक्चर देखें और हमें बताएं, कमेंट्स करें, रिव्यूज़ बताएं कि आपको पिक्चर कैसी लगी. और अच्छी लगे तो सबसे कहिए जाकर फिल्म देखने के लिए. सो फिलहाल फिनिश करते हैं इंटरव्यू को बंगाल के टाइगर के साथ और गॉर्जियस लेडी जो हमारे साथ सुष्मिता जी है उनके साथ. हाय, दिस इज जीत एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड क्रॉनिकल. Hi, this is Sushmita and you are watching me on Bollywood Chronicle. Thank you. Hi, this is Yash. Stay tuned to Bollywood Chronicle. Thanks.